पेट्रोल बम के बाद गैस बम एलपीजी की कीमत में 3.5 रुपए का इजाफा। एलपीजी 130 रुपए फी किलो की बजाय 133.50 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। घरेलू सिलेंडर 41 रुपए के इजाफे से 1564 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 6061 रुपए में मिलेगा। ओगुरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तब्दीली सरकार सुन ले पुकार, पेट्रोल की कीमत में इजाफा नामंजूर। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन सड़कों पर बाबू साबू चौक से यतीम खाना तक रैली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। रैली से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हुकूमत को बहुत टफ टाइम दिया, अब बस अपोजिशन का सब्र खत्म। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सर जोड़ लिए। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुश्तरका बैठक। खुर्शीद शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली मिलकर तैयार करने और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हमने ना किसी से एनआरओ मांगा है और ना ही मांगेंगे। हुक्मरानों को खुद एनआरओ की जरूरत पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगु। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। राणा सनाउल्ला ने कहा कि हम हुकूमत को 5 साल देने को तैयार हैं। क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? शेख रशीद रोजाना घटिया गुफ्तगु करते हैं। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने कहा महंगाई का तूफान है और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। असद उमर ट्वीट्स में पेट्रोल 50 रुपए लीटर करने की बातें करते थे। पंजाब हुकूमत का एक और यू टर्न सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के अपने वजरा के सामने घुटने टेक दिए। सूबाई वजरा के सवाबदीदी फंड्स खत्म ना किए जा सके। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में वजरा के सवाबदीदी फंड्स खत्म करने का ऐलान किया था। आमदन से जायद असासा जात, नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। SSP जुनेद अरशद गिरफ्तार। जुनेद अरशद ने दौरान मुलाजमत अपने अख्तियारात और अहदे के नाजायज इस्तेमाल से करोड़ों रुपए के असासे बनाए। नैब मुलजिम के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की गैर मामूली ट्रांजैक्शन पाई गई। जुनेद अरशद को कल जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ग्रीन टाउन के इलाका मादरे मिल्लत रोड पर सड़क में शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर। इंतजामिया का कोई अहलकार घड़े को भरने के लिए ना आया। सड़क के बीच में पड़े घड़े से हादसे का शिकार। कस्टम हुकाम के बादामी बाग के इलाके भिको रोड पर कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा टायर बरामद। सामान ईरान, तुर्की और भारत से लाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में अलाइड स्कूल और रिसोर्स एकेडमिया के ज़ेर एहतमाम मैं हूँ प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अलाइड स्कूल आलमी मयार तालीम पर पूरा उतरने के लिए कोशा है। मुकर्रीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर सुहेल अफसल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का DGPHA डॉक्टर फैसल जहूर और आबिद मीर के हमराह चुना कॉलोनी पार्क का दौरा। पार्क के तजयन और आराइश करने के हदायत। मियां असलम इकबाल कहते हैं कि अपने हलके को खूबसूरत बनाएंगे।